बॉलीवुड सेलेब्स की शादियां तो हमेशा ही चर्चा का विषय रही हैं, क्योंकि इन शादियों में करोड़ों का खर्चा किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रैंड शादी में करोड़ों खर्च करने वाले इन सेलेब्स के तलाक भी करोड़ों के ही होते हैं। बॉलीवुड में कई रिश्ते ऐसे हैं जो बनते ही बिगड़ गए, तो वहीं कई सेलेब्स ऐसे हैं जिन्होंने 15 साल की शादी के बाद भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक ले लिया। कुछ सेलेब्स को तलाक काफी भारी भी पड़ा है। यहाँ हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के उन 5 सेलेब्स के बारे में जिन्होंने तलाक में खर्च किए हैं करोड़ों। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल एनएन बॉलीवुड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर ले। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और सुजैन खान का तलाक बॉलीवुड के सबसे महंगे तलाक में से एक है। दोनों ने 14 साल तक शादी में साथ रहने के बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुजैन खान ने एलिमनी में 400 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसके बाद ऋतिक रोशन ने 380 करोड़ सुजैन खान को दिए थे। बॉलीवुड में मल्टी टैलेंटेड एक्टर फरहान अख्तर ने 16 साल तक साथ रहने के बाद अधुना से तलाक लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाक के बदले अधुना ने उनसे मुंबई स्थित 1000 स्क्वायर फीट का बंगला मांगा था। इसके साथ ही फरहान अख्तर अपनी बेटियों की देखभाल के लिए हर महीनों लाखों रुपए अधुना को देते हैं। कपूर खानदान की लाडली बेटी करिश्मा कपूर ने साल 2003 में संजय कपूर संग शादी रचाई थी। शादी के 13 साल बाद यह दोनों का तलाक हो गया। दोनों के 2 बच्चे हैं जो करिश्मा के साथ मुंबई में ही रहते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एलिमनी के तौर पर करिश्मा कपूर को एक बंगला मिला है। इसके अलावा 14 करोड़ का बॉन्ड हुआ था जिस पर हर महीने 10 लाख रुपए मिले करिश्मा कपूर को। आमिर खान शादी के मामले में अनलकी रहे हैं। आमिर 2 बार तलाक ले चुके हैं। उन्होंने पहली बार रीना दत्ता से साल 1986 में शादी रचाई थी। दोनों 2002 में एक दूसरे से अलग हो गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान रीना दत्ता को एलिमनी के तौर पर 50 करोड़ रुपए दे चुके हैं। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1998 में शादी रचाई थी, लेकिन साल 2017 में अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा एक दूसरे से अलग हो गए। इसकी वजह दोनों के अफेयर्स थे। मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान से तलाक के बाद 10 से 15 करोड़ मांगे थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।